हमने अभी बात करी थी इम्पीरियल हाउसहोल्ड के बारे में, अब हम बात करते हैं इम्पीरियल ऑफिशियल्स के बारे में। बहुत सारे मुगल क्रॉनिकल्स जो हैं, खासतौर से अकबर नामा, उन्होंने जो एक विजन दिया है एम्पायर का, वो एक तरह से एक विजन छोड़ गए हैं, जिसमें जो एजेंसी थी वो पूरी तरीके से एम्परर पर डिपेंड करती थी, जबकि जो बाकी का और किंगडम था वो ऐसा दिखाया गया है कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता था। लेकिन अगर हम ध्यान से यही इन्फॉर्मेशन को जो हिस्ट्रीज के थ्रू मिली है और अगर हम उससे पूरा मुगल स्टेट को देखें, तो हमें शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती थी ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पिलर था मुगल स्टेट का, वो था उनका ऑफिसर्स का ग्रुप, जिसको हिस्टोरियंस के द्वारा कलेक्टिवली नोबिलिटी का नाम दिया गया है। नोबिलिटी जो रिक्रूट करी जाती थी, ये बहुत ही अलग अलग रेशियल और रिलीजियस ग्रुप से अपॉइंट करी जाती थी। इससे क्या होता था कि कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो एकदम से उठ के बहुत भारी उसमें जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सके। ऑफिसर्स जो थे मुगल्स के, यानी जो ऑफिसर्स का ग्रुप था मुगल्स का, उसको जो है एक बुके माना गया, फ्लावर्स का गुलदस्ता, जो सबके सब एक साथ जुड़े हुए थे और एम्परर के प्रति लॉयल थे। अकबर की जो इम्पीरियल सर्विस थी उसमें तुरानी और ईरानियन नोबल्स जो थे वो शुरुआत से ही इसमें प्रेजेंट थे, जब पॉलिटिकल इनकी डोमिनियन का एक फॉर्मेशन हो रहा था। बहुत सारे हुमायूं के साथ आए थे और बाद में कुछ ऐसे थे जो माइग्रेट करके मुगल कोर्ट में आ गए थे। दो रूलिंग ग्रुप्स जो इंडियन ओरिजिन के थे जो इस शाही सर्विस में एंटर करे 1560 से, वो थे राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, जिन्हें बोलते हैं शेख ज़ादास। जो पहले जो ज्वाइन किया था वो थे राजपूत चीफ राजा भारमल कचवाहा अंबर के, जिनकी डॉटर की शादी अकबर के साथ हुई थी। जो मेंबर्स थे हिंदू कास्ट के, वो भी जो है अब एजुकेशन के प्रति झुकने लगे थे और अकाउंटेंसी को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल, वो खत्री कास्ट को बिलोंग करते थे। ईरानियंस जो थे उनको बहुत ऊंचे ऊंचे ऑफिसेस मिल गए थे जहांगीर के अंडर, जो काफी ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकली प्रभावशाली क्वीन थी नूरजहां, क्योंकि वो भी जो है एक ईरानियन थी। औरंगजेब ने राजपूत को अपॉइंट किया हाई पोजीशंस पे और उनके अंडर मराठास जो हैं वो काफी कम मात्रा में हो गए थे जो ऑफिसर्स की एक ग्रुप में आते थे। जितने भी होल्डर्स थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उनकी जो है रैंक्स करी हुई थी दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस के आधार पर। एक थी जाट, जो ये इंडिकेटर था कि पोजीशन जो है इंपीरियल हायरार्की में वो कैसी है और सैलरी जो है ऑफिशियल की वो कैसी होगी। सवार, जो ये बताता था कि नंबर ऑफ हॉर्समैन कितनों की इसको जरूरत पड़ेगी मेंटेन करने के लिए एक सर्विस के अंदर। तो 17वीं सेंचुरी में मनसबदार्स की जिनकी 1000 जाट होती थी या उससे अबव होती थी, उनको रैंक दिया गया नोबल्स का। उमारा, जो की प्लूरल फॉर्म है अमीर का, अमीर का। नोबल्स जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स में हिस्सा लेते थे अपनी आर्मीज के साथ, और साथ ही साथ वो जो है ऑफिसर्स के तौर पे भी सर्व करते थे एम्पायर को, जो उनके क्षेत्र में होती थी। हर मिलिट्री कमांडर को जो रिक्रूट किया जाता था उसके पास जो है वो पूरी तरह से संपन्न होता था और ट्रेन करता था जो मेन स्ट्राइकिंग आर्म होती है मुगल आर्मी की, यानी जो कैवेलरी होती है उसको जो है वो ट्रेन करता था। ट्रूपर्स जो है वो मेंटेन करते थे जो बहुत ही उच्च कोटि के हॉर्सेस हैं जो ब्रांडेड होते थे, उनके ऊपर जो है इंपीरियल मार्क लगा दिया जाता था जिसे कहते हैं दाग। एम्परर पर्सनली जो है रिव्यू करते थे जो भी चेंजेस होते थे रैंक में, टाइटल में, ऑफिशियल पोस्टिंग्स में, सबका वो रिव्यू करते थे, खाली जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको छोड़ के। अकबर जिन्होंने ये मनसब सिस्टम डिजाइन किया था, उन्होंने साथ साथ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स भी जो है कुछ एस्टैब्लिश करी थी, जो उनका एक सिलेक्टेड बैंड था नोबिलिटी का, उनको जो है एक अपने तरह से डिसाइपल्स के तौर पर वो ट्रीट करते थे, मुरीद जो किसे कहते हैं। जो मेंबर्स होते नोबिलिटी के, उनके लिए इंपीरियल सर्विस जो है वो एक तरीका था, एक जरिया था, जिससे वो पावर, वेल्थ और हाईएस्ट पॉसिबल जो रेपुटेशन है उसको अपना सकते हैं। जो भी पर्सन ये इच्छा करता था कि वो जो है सर्विस को ज्वाइन करेगा, उसको जो है रिक्वेस्ट हो करके जाना पड़ता था नोबल के थ्रू, जो फिर एक तजवीज जो है एम्परर के सामने पेश करता था। अगर एप्लीकेंट जो है वो बिल्कुल सूटेबल पाया गया मनसब के लिए, तो वो जो है उसको ग्रांट कर दी जाती थी। मीर बख्शी, यानी जो पे मास्टर जनरल होते थे, वो खड़े होते थे ओपन कोर्ट में बिल्कुल राइट साइड में एम्परर के, और सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे अपॉइंटमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए उनको जो है प्रेजेंट करते थे,
जबकि उनकी जो ऑफिस है वो प्रिपेयर करता था ऑर्डर्स जिसमें सील लगी होती थी या सिग्नेचर होते थे एम्परर के भी। दो और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे सेंटर में, एक होते थे दीवाने आला और एक होते थे सदरस सुदूर। दीवाने आला जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और सदरस सुदूर जो थे वो मिनिस्टर होते थे ग्रांट्स के या मदद माश के, और साथ ही साथ इंचार्ज होते थे अपॉइंट करने के लिए जो लोकल जज होते हैं या काजीज होते हैं उनके लिए। तीन मिनिस्टर्स जो हैं ओकेजनली एक साथ आते थे एक सलाहकार की जो बॉडी होती है उसके तौर पे, लेकिन हर कोई जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट था। अकबर जो है इनके साथ और बाकी एडवाइजर्स के साथ मिलकर उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस जो है एम्पायर के उनको शक्ल दी थी। जो भी नोबल्स कोर्ट में तैनात थे जिनको बोलते हैं तैनात ए रकम, वो एक तरह की रिजर्व फोर्स थी जो कि डिप्यूट करी गई थी किसी भी प्रोविंस के लिए या मिलिट्री कैंपेन के लिए। ये ड्यूटी बाउंड होते थे और इनको दिन में दो बार सुबह और शाम आना जरूरी होता था ताकि ये अपनी जो एम्परर के प्रति उनका जो एक सबमिशन है उसको दिखा सकें पब्लिक ऑडियंस हॉल में। साथ ही साथ इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती थी कि ये एम्परर की या उनके जो घर के लोग हैं उनकी हर वक्त जो है ये लोग एक रक्षा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, गार्ड करते थे। बिल्कुल एग्जैक्ट और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स का रख रखाव करना एक सबसे बड़ी चिंता का विषय था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो मीर बख्शी थे उन्होंने सुपरवाइज किया जो ग्रुप था कोर्ट राइटर्स का जिसे बोलते हैं वाकिया नविस, और उन्होंने सारी एप्लीकेशंस को रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट्स को जो भी प्रेजेंट होते थे कोर्ट के सामने, साथ ही साथ जितने भी इंपीरियल ऑर्डर्स आते थे यानी फरमान आते थे। इसके अलावा एजेंट्स जो थे नोबल्स के यानी जो वकील होते थे नोबल्स के और रीजनल रूलर्स के, वो पूरी की पूरी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती थी कोर्ट की उसको रिकॉर्ड करते थे एक हेडिंग के अंडर न्यूज फ्रॉम द एक्सॉल्टेड कोर्ट यानी अकबरात ए दरबार ए मौला, जिसमें डेट और टाइम जो है कोर्ट सेशन का लिखा जाता था जो पहर होती है उसका। अखबारात जो है उसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती थी जैसे अटेंडेंस कोर्ट पे कैसी है, ग्रांट क्या क्या मिल रही है ऑफिसर्स को की, टाइटल्स क्या है, डिप्लोमेटिक मिशंस क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से तोहफे आए हैं या इंक्वायरीज जो एम्प्लॉयर के द्वारा बनाई जा रही है हेल्थ जो लेकर ऑफिसर की, ये सब बातों के बारे में जो है वो रिकॉर्ड करते थे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी एक किसी भी हिस्ट्री चाहे पब्लिक या प्राइवेट लाइफ है किंग की या नोबल्स की, उसको अगर लिखना है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी था। न्यूज रिपोर्ट्स थी या जो और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो हर वक्त जो है जितने भी इनके क्षेत्र थे जो मुगल रूल के अंडर आते थे उसमें आदान प्रदान होता रहता था इम्पीरियल पोस्ट के थ्रू। राउंड द क्लॉक जो फुट रनर्स होते हैं वो पेपर रोलर्स लेकर बैम्बू कंटेनर्स में इधर उधर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते रहते थे। एम्परर को रिपोर्ट्स मिलती थी दूर दूर के, जो उनके प्रोविंशियल कैपिटल्स थी उसमें रिपोर्ट मिलती रहती थी पर कुछ दिनों में मिलती थी। जो एजेंट्स थे नोबल्स के वो बाहर पोस्टेड थे कैपिटल के, और जो राजपूत प्रिंसेस या उनके जो और साथ के रूलर्स होते थे वो जो है इन सब अनाउंसमेंट्स को कॉपी करते थे और फिर अपने कंटेंट्स जो है मैसेंजर के थ्रू अपने दोबारा मास्टर्स को भेज देते थे। तो ये जो है एक एम्पायर जो थी ये बहुत ही एक इंफॉर्मेशन लूप से बंधी हुई थी, जो मतलब जैसे पब्लिक न्यूज जो है वो कैसे पहुंचाई जाए कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक लूप बना रखा था जिसमें जो न्यूज है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाई जाती। जो भी फंक्शंस का डिवीजन किया जाता था सेंटर में बिल्कुल उसी की कॉपी जो है प्रोविंसेस में भी करी जाती थी, जहां मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो हैं सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करवाते थे जैसे सेंटर में होता है। तो जो सबॉर्डिनेट्स होते थे वो थे दीवान बख्शी और सदर। जो हेड होते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के वो गवर्नर होते थे यानी सूबेदार, और वो डायरेक्टली फिर एम्परर को रिपोर्ट करते थे। सरकार जिसमें हर सूबा डिवाइडेड होता था वो कई बार ओवरलैप भी कर जाती थी जो ड्यूरिस्डिक्शन होता है फौजदार का उनके थ्रू जिनको डिप्लॉय किया जाता था वहां पर एक हैवी कैवेलरी के साथ, और जो मस्कीटियर्स होते हैं यानी जिनके हाथों में बंदूक वगैरह होती है उनको डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता था। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखा जाता था परगना के लेवल पर तीन सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स के द्वारा। एक थे कानूनगो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का हिसाब रखते थे, दूसरे थे चौधरी जो इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, और तीसरे होते थे काजी। हर डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो मेंटेन करता था एक मतलब मेंटेन करा जाता था बहुत बड़े सपोर्ट से
स्टाफ जिस तरह उनका क्लर्क्स का, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स और भी और फंक्शन करने वाले लोग थे जो काफी टेक्निकली क्वालिफाइड थे ऑफिशियल्स के तौर पे। साथ ही साथ ये लोग जो फंक्शनिंग करते थे ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैंडर्ड रूल्स या जो प्रोसीजर्स होते थे या जो रिटन ऑर्डर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जो है बिल्कुल कॉपीज को तैयार कर देते थे, उस तरीके से बहुत अच्छे तौर पे फंक्शन करते थे। पर्शियन जो है उसे लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था हर जगह, लेकिन लोकल लैंग्वेज जो है वो विलेज अकाउंट्स के लिए यूज करी जाती थी। मुगल क्रॉनिकल्स जो हैं वो ज्यादातर पोर्ट्रे करते हैं एम्परर के बारे में, उनके कोर्ट के बारे में, कि वो जो है पूरा एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस जो है उसको कंट्रोल करते थे विलेज लेवल तक। लेकिन जैसा हमने देखा कि ये ऐसा प्रोसेस है जो फ्री ऑफ टेंशन तो नहीं हो सकता। जो रिलेशनशिप होती है लोकल वहाँ के लैंड मैग्नेट्स, जमींदार या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुगल एम्परर के, वो कई बार उसमें तनाव भी हो जाता था, झगड़े भी हो जाता था अथॉरिटी को लेकर या रिसोर्सेज के शेयर को लेकर। ज्यादातर जमींदार जो है वो सक्सीड करते थे, सफलता पाते थे, क्योंकि उनको जो है जो किसान होती थी या जो जनता होती थी उसका सपोर्ट मिल जाता था स्टेट के खिलाफ। जो राइटर्स हैं क्रॉनिकल्स के उन्होंने कई बड़े बड़े टाइटल्स की लिस्ट बताई है जो मुगल एम्परर्स द्वारा अपनाए गए। इसमें थे जैसे शहंशाह या वो टाइटल जो इंडिविजुअल किंग्स द्वारा अपनाया गया जब उनको तख्त मिला, जैसे जहांगीर, शाहजहां। क्रॉनिकल्स जो है ये बताते हैं कि ये जो टाइटल्स हैं या इनके जो मीनिंग्स हैं वो बेसिकली ये दर्शाते हैं कि जो मुगल एम्परर्स थे वो बिना जीते ही, बिना लड़े ही उन्होंने जो क्षेत्र है या पॉलिटिकल कंट्रोल है उसको हासिल कर लिया और उस पर अपना दावा कर दिया, तब उनको ये टाइटल्स मिले। वही कुछ और उस टाइम की जो हिस्ट्रीज हैं वो ये बताती हैं कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और झगड़े भी रहे थे जो आस पड़ोस की पॉलिटिकल पावर्स थी उनके साथ। इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ टेंशन या पॉलिटिकल राइवलरी हमेशा रही जो उनके आस पड़ोस के जो कंट्रीज थे उनके बीच में। अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो मुगल किंग्स और जो नेबरिंग कंट्रीज थी ईरान और तुरान की, वो ये था कि कौन जो है जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं उसके ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर ले, क्योंकि वो अफगानिस्तान को बाकी रीजन्स जो ईरान और सेंट्रल एशिया के हैं उनसे सेपरेट करता था। सारे कॉन्करर्स जो हैं वो ये कोशिश कर रहे थे जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना चाहते थे उनको जो है हिंदू कुश को क्रॉस करना पड़ता था, तब वो नॉर्थ इंडिया में आ सकते थे। मुगल्स जो पॉलिसी थी उसका एक मुख्य एम था कि ये जो डेंजर है इसको हटा दिया जाए, पूरा का पूरा अपना ही कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे कि काबुल और कंदाहर पे। कंदाहर जो है मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी सफावीद और मुगल्स के बीच में। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, मेन जो झगड़े का कारण थी वो कंदाहर थी सफावीद और मुगल के बीच में। एक जो शहर होता है, जो किले नुमा शहर होता है, वो ऑलरेडी जो है हुमायूं के कब्जे में था और उसको दोबारा फिर रिकॉन्कर कर लिया गया 1595 में अकबर के द्वारा। जहां सफावीद कोर्ट जो था उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मुगल्स के साथ बरकरार रखे, वहीं वो अपने जो एक दावा था कंदाहर के ऊपर उसने भी उसको जारी रखा। 1613 में जहांगीर ने अपने डिप्लोमेटिक राजदूत जो है वो शाह अब्बास के दरबार में भेजे, ताकि मुगल केस की एक तरह से अर्जी लेके गए थे कि वो कंदाहर को जो है रहने दे, लेकिन मिशन जो है वो फेल हो गया। विंटर्स में 1622 में पर्शियन आर्मी जो है उसने कंदाहर पे कब्जा कर लिया। मुगल गैरिसन जो है वो तैयार थी नहीं, यानी मुगल जो छावनी थी वो तैयार थी नहीं, इस वजह से वो हार गई और उनको जो वो किला था और साथ ही साथ जो शहर था उसे सफाविद को दोबारा क्या कहते हैं सरेंडर करना पड़ा। जो रिलेशनशिप थी मुगल्स और ऑटोमेंस के बीच में वो भी एक चिंता का विषय थी, क्योंकि जो मुगल्स थे वो ये चाहते थे कि जो मर्चेंट्स हैं या जो पिलग्रिम्स हैं टेरिटरीज के अंडर जो ऑटोमन कंट्रोल में आती हैं उनको जो है फ्रीली मूव करने दिया जाए। ये खास तौर से सच था हिजाज के केस में, क्योंकि ऑटोमन अरेबिया का जो हिस्सा था जहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स थे मक्का और मदीना, वहीं तक जो है लोगों का आना जाना ये चाहते थे मुगल्स की फ्री हो जाए बिना किसी परेशानी के। मुगल एम्परर ने ज्यादातर क्या किया, जो धर्म है और जो व्यापार है इसको कंबाइन कर दिया, एक्सपोर्ट करके जो बहुत ही कीमती चीजें हैं एडन और मोखा जो दोनों क्या कहते हैं रेड सी पोर्ट्स हैं, वहां पर क्या कहते हैं उन्होंने उनको कंबाइन किया, वहां एक्सपोर्ट किए और जो भी प्रोसीड्स होते थे सेल्स के
उनको जो है चैरिटी में दान कर देते थे, जो भी मंदिर के या जो भी क्या कहते हैं रिलीजियस मैन होते थे उनके जो रखवाले होते थे या मेंटेन करने वाले होते थे उनको दान कर देते थे। जब औरंगजेब ने ये देखा कि फंड्स जो हैं जो भी अरेबिया भेजे जा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा अच्छा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ही कर दिया जाए, क्योंकि उनके अनुसार इंडिया भी एक तरह से काफ़ी जो अल्लाह है या जो भगवान है उन्हीं का ही घर है, जैसे मक्का है। यूरोप को जो है इंडिया के बारे में नॉलेज मिली, जो ज्यूज मिशनरीज थी उन्होंने ये जो भी लिखा, ट्रैवलर्स थे, मर्चेंट्स थे या जो डिप्लोमेट्स थे उनके जो भी अकाउंट्स मिले उसके थ्रू यूरोप को जो है इंडिया के बारे में काफी नॉलेज मिल पाई थी। जो ज्यूज अकाउंट्स हैं वो सबसे पहले इम्प्रेशंस हैं मुगल कोर्ट के जो अब तक यूरोपियन राइटर्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। जब ये पता चल गया कि एक डायरेक्ट सी रूट है इंडिया के लिए एंड में 15 सेंचुरी के जब उसकी डिस्कवरी हो गई, तो पोर्तुगीज मर्चेंट्स ने जो है अपना एक नेटवर्क जो है ट्रेडिंग स्टेशंस का एस्टैब्लिश कर दिया कोस्टल सिटीज के अंदर। पोर्तुगीज किंग जो थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि जो क्रिश्चियनिटी है उसका जो है प्रचार हो मिशनरीज की मदद से, जो सोसाइटी है जीसस की उनकी मदद से क्रिश्चियनिटी का भी खूब ज्यादा प्रचार किया जाए। तो जो क्रिश्चियन मिशन आया इंडिया के अंदर 16 सेंचुरी को वो एक तरह से हिस्सा था इसी प्रोसेस का, ट्रेड का और एम्पायर बिल्डिंग का। अकबर जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस थे क्रिश्चियनिटी को लेकर, और इसीलिए उन्होंने जो है एक डिस्पैच कर दी एम्बेसी गोवा की ताकि कि वो ज्यूइस्ट प्रीस्ट जो है उनको इन्वाइट कर सके। जो पहला ज्यूइस्ट मिशन था जो मुगल कोर्ट पहुंचा फतेहपुर सीकरी में 1580 के अंदर, और वहां पर लगभग 2 साल रहा। जो ज्यूज थे उन्होंने अकबर से बात करी क्रिश्चियनिटी के बारे में, और साथ ही साथ जो है एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स भी हुए या एक तरह से तर्क भी हुए जो भी उलामा हैं उनके गुणों को लेकर। 2 और मिशन जो हैं वो मुगल कोर्ट में भेजे गए लाहौर के अंदर 1591 में और 1595 में। ज्यादातर जो ज्यूज अकाउंट्स हैं वो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं, और वो एक तरह से दिखाते हैं कि कैरेक्टर और एम्परर जो माइंड था वो एम्परर का कैसा था, एक तरह से उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पब्लिक असेंबलीज में जो ज्यूज थे उनको एक जगह दी जाती थी जो बिल्कुल अकबर का जो थ्रोन था उसके पास होती थी, वो साथ ही जाते थे। जो भी उनकी कैंपेन्स होती थी, बच्चों को ट्यूशन देना है या जो उनकी अपनी कंपेनियंस होते थे जिनके साथ वो काफी समय बिताते थे उनके वक्त जो है ज्यूज साथ में होते थे। तो ज्यूस्ट अकाउंट जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी पर्शियन क्रॉनिकल्स में दी गई हैं स्टेट ऑफिशियल्स के बारे में और जनरल कंडीशंस जो लाइफ की थी मुगल टाइम्स में उनके बारे में। सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट दिखाई गई है अकबर की मेंबर्स ऑफ द ज्यूस मिशन थे उसकी वजह से वो लोग जो है काफी ज्यादा इनसे इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि अकबर ने जो है बहुत ज्यादा इन लोगों को रिस्पेक्ट करी थी। तो उन्होंने जो है ये व्याख्या करी कि एम्परर का जो है एक पूरी तरह से ओपन इंटरेस्ट है जो भी सिद्धांत है क्रिश्चियनिटी के, और ये दर्शाता है कि वो जो है उनकी फेथ में एक्सेप्ट करते हैं या उनकी उनके फेथ में उनको विश्वास है, उसको वो कबूल कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझा जाता है कि जिस तरीके का रिलीजियस इंटॉलरेंस का माहौल था वेस्टर्न यूरोप में उस वक्त, मॉन्सरेट ने कमेंट किया है कि जो राजा थे वो बहुत कम केयर कर रहे थे कि वो जहाँ एक तरफ सबको अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो करें, वहीं वो खुद भी जो है रियलिटी में सबको तोड़ रहे हैं। अकबर की जो एक इच्छा थी रिलीजियस नॉलेज को जानने की, उससे उन्होंने कई बार जो है डिबेट्स कराई इबादत खाना में जो फतेहपुर सीकरी है, लर्नेड मुस्लिम्स, हिंदू, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस के बीच में। अकबर की जो धार्मिक व्यूज थे वो और ज्यादा एक तरह से मैच्योर होते चले गए जब उन्होंने जो स्कॉलर्स थे अलग अलग रिलीजन के उनके साथ जो है बातें करी, उनके जो सेक्ट्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनके सिद्धांतों को लेकर उन सबको इकट्ठा किया। वो जो है एक तरह से जो इस्लामिक वे था, इस्लामिक तरीका होता है रिलीजन को समझने का, उससे जो है वो बिल्कुल अलग हो गए। एक परंपरावादी या रूढ़ीवादी जो एक तरीका होता है उससे वो बिल्कुल अलग हो गए थे, और वो जो है अब एक ऐसी डिवाइन वर्शिप की फॉर्म को फोकस कर रहे थे जो लाइट और सन पर बेस थी। हमने ये देखा कि अकबर और अबुल फजल ने एक ऐसी फिलॉसफी जनरेट करी लाइट की, और उसकी वजह से जो है एक शक्ल तैयार हुई, एक ऐसी शक्ल जिसमें किंग की भी इमेज बनी और जो स्टेट है उसकी आइडियोलॉजी भी बनी। तो एक ऐसा आध्यात्मिक तौर पे प्रभावित इंडिविजुअल जो होता है
उसके जो है एक सुप्रीम शासन बना अपने लोगों के ऊपर, साथ ही साथ उसने जो है अपने एनिमीज जो होते हैं उसके ऊपर भी पूरा कंट्रोल पाया था। तो ये था हमारा चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।